हेलो गाइस, ये है टाटा हैरियर का XT प्लस डार्क एडिशन। इस वीडियो में इस गाड़ी को देखने वाले हैं, देखेंगे कि इस गाड़ी में आपको कितने फीचर्स मिल जाते हैं, कैसी स्पेस मिलती है और क्या कुछ इस गाड़ी में आपको मिल जाता है और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस क्या है। तो आप ही वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी की के बारे में। तो इसमें आपको इस तरीके की रिमोट कीज़ मिलती हैं। यहाँ पर आपको चार बटन्स मिलते हैं, पीछे आपको ये लोगो मिल जाता है टाटा का। यहाँ पर आपको ये चार बटन्स मिलते हैं लॉक के लिए। यहाँ पर आप हेडलाइट ऑन कर सकते हैं इस तरीके से। DRLs भी ऑन हो जाती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ DRLs। ये रही इस गाड़ी की DRLs और नीचे इस गाड़ी की जो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं ये ऑन हो जाती हैं और इसी बटन से आप इसे बंद भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेल गेट ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पर आपका अनलॉक का बटन मिल जाता है। ये दो कीज़ मिलती हैं आपको रिमोट कीज़ इस गाड़ी में। इस गाड़ी में आपको इस तरीके की लुक्स मिलती हैं फ्रंट से। और इस गाड़ी की ग्रिल की बात करें तो आपको इस तरीके की ग्रिल मिल जाती है फ्रंट में, पूरी ऑल ब्लैक ग्रिल मिलती है आपको। और यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ पर आपको हैरियर में ऊपर की तरफ DRLs मिल जाती हैं, नीचे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं और उसी के नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। इस तरीके का फ्रंट बम्पर मिल जाता है और यहाँ पर आपको दो एयरो ट्विन वाइपर्स मिलते हैं। और इस गाड़ी के व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज़ आप देख सकते हैं 235/65R 17 इंच टायर साइज़ है इस गाड़ी का। और इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल को मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। ये रही इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। यहाँ पर आपको ये डार्क एडिशन है तो हैशटैग डार्क की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में पूरे ब्लैक ORVMs मिलते हैं टर्न इंडिकेटर्स के साथ। ऊपर इसमें आपको पूरी ब्लैक रूफ मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है। ये रहा ड्राइवर साइड डोर हैंडल जिसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। और इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें आपको 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। रियर में इस गाड़ी में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, आगे डिस्क ब्रेक मिलेंगी। अपोलो के टायर्स मिल जाते हैं इसमें। यहाँ पर आपको 50 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। और इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल में चलते हैं तो इस तरीके की इसमें आपको रियर लुक्स मिलती हैं। इस गाड़ी में आपको सब कुछ ब्लैक मिलता है, ये डार्क एडिशन है। तो ये रही इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल। यहाँ पर आपको सेंटर में टाटा का लोगो मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है। और ये रहा इस गाड़ी के 3D LED टेल लैम्प्स जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं चलते समय। यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। ये रही इस गाड़ी की बैक लाइट। यहाँ पर इसमें आपको ऊपर की तरफ वोकल फॉर लोकल के स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पर आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, वॉशर मिलता है। ऊपर आपको नॉर्मल एंटेना मिलता है इसमें। यहाँ पर आपको वाइपर और डिफॉगर भी मिल जाता है इसमें पीछे की तरफ। यहाँ पर आपको हैरियर की बैजिंग मिलती है जो कि पूरी ब्लैक में है। पहले वाले डार्क एडिशन में आपको क्रोम में मिलती थी। यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं इसके बम्पर में। और इसका जो स्पेयर व्हील है आपको नीचे की तरफ मिलता है जो कि स्टील व्हील है। तो ये थी इस गाड़ी की पूरी लुक्स, काफ़ी बेहतरीन लुक्स हैं इस गाड़ी की एक्सटीरियर में। और अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में और देखते हैं कि इंटीरियर में इसमें आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले इस गाड़ी के डोर्स में देख लेते हैं। तो इस तरीके का इसमें आपको डोर मिलता है। यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये ग्रैब हैंडल मिल जाता है। यहाँ पर आपको डोर ओपनर मिलता है डार्क क्रोम फिनिश में। लॉक अनलॉक आप यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर्स मिलते हैं। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है एक। यहाँ पर आपको RVM एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। और इस तरीके का इंटीरियर मिलता है इसमें। ये रहा इस गाड़ी का डैशबोर्ड।
यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती हैं जो कि मैनुअली हैं। इस तरीके की सीट्स मिलती हैं, फैब्रिक सीट्स आएंगी इस वाले मॉडल में। यहाँ पर आपको एसी वेंट्स मिलते हैं, इसके सराउंड में डार्क क्रोम फिनिश मिल जाती है। यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है और इस तरीके की फिनिश मिलती है इसमें डैशबोर्ड में। और अब इस गाड़ी के इंटीरियर में चलते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटीरियर मिल जाता है इस गाड़ी में। ये आप देख सकते हैं पूरा डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, स्टीयरिंग व्हील आपको इस तरीके का मिलता है। यहाँ पर इसमें आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इस साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिलता है, डुअल एयरबैग्स आते हैं इसमें। यहाँ पर आपको इस तरीके का इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, इस साइड में आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको पिलर्स में ट्विटर मिलता है। और ये रहा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल, यहाँ पर आपको 7 इंच की टच स्क्रीन मिलती है इसमें जो कि इसके अंदर है। यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, 2 AC वेंट्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको हजार्ड लाइट का बटन मिलता है, ईको मोड और पावर मोड के बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक USB पोर्ट और एक ऑक्स का पोर्ट मिल जाता है, थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी की चाबी रख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, काफ़ी प्रीमियम लग रहा है ये भी। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक मिल जाती है इसमें इस तरीके की। यहाँ पर आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। ये रहा इस गाड़ी का आर्मरेस्ट, इस तरीके से आप इसे ओपन कर सकते हैं। ये कूल्ड है। यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है यहाँ पर, और 2 5 वोल्ट 2 एम्पियर के चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं इसके अंदर। और इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी बड़ा ग्लोव बॉक्स मिलता है जिसके अंदर आपको लाइट भी मिल जाती है। और ये आपको पूरी पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है जो कि काफ़ी प्रीमियम लगती है। यहाँ पर आपको इस तरीके का फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको एयरबैग्स मिलते हैं और इसके सनवाइज़र में आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है ड्राइवर साइड। यहाँ पर आपको मैनुअल IRVM मिल जाता है। और यहाँ पर आपको रीडिंग लाइट्स मिलती हैं जो कि वाइट कलर की हैं। यहाँ पर आपको 3 सेपरेट बटन्स मिलते हैं, अलग अलग भी आप इसे ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है और यहाँ पर आपको 3 बटन्स मिल जाते हैं सनरूफ़ के लिए। इस गाड़ी में आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है इसके XT+ वेरियंट में। इसमें आपको 3 अलग अलग बटन्स मिल जाते हैं, बंद करने के लिए, खोलने के लिए। यहाँ पर आपको इस वाले इसमें भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है, को ड्राइवर साइड भी। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। और काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं इस गाड़ी की, काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी बड़ी सीट्स हैं। तो ये था हैरियर का इंटीरियर। अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे और देखते हैं कि इसमें आपको पीछे कैसी स्पेस मिल जाती है। तो ये रहा इस गाड़ी का पीछे का डोर। और यहाँ पर इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डोर ओपनर मिल जाता है आपको। यहाँ पर आप लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल मिलता है, पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है, ट्विटर मिल जाते हैं। नीचे आपको यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है और बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं आपको काफ़ी बड़े बड़े। और ये रही इस गाड़ी के रियर सीट्स, पीछे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं इसमें। इसके अंदर चलते हैं इस गाड़ी के। तो इस गाड़ी की जो ड्राइवर सीट है वो पूरी पीछे है, तब मुझे इतना लेग रूम मिल रहा है। मेरी हाइट 5.5 इंचेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इस गाड़ी में। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है एक, और एक वाइट कलर की रीडिंग लाइट आपको मिलती है। और काफ़ी अच्छा स्पेस है इस गाड़ी में, अंडर थाई सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। सेंटर में आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर्स के मोबाइल चार्ज करने के लिए। यहाँ पर आप अपना मोबाइल रख सकते हैं। यहाँ पर आपको पिलर्स में रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं इसमें। ऐसा लगता है हैरियर का डैशबोर्ड देखने पर। और यहाँ पर इसकी सनरूफ पीछे तक आती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलती है इस गाड़ी में। इस साइड भी आपको ग्रैब हैंडल और रीडिंग लाइट्स मिल जाती है। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है इसमें। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलता है जो कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, काफ़ी वाइड सीट्स हैं इस गाड़ी की। सेंटर में आपको टनल मिल जाता है। अब चलते हैं इस गाड़ी के पीछे और देखते हैं कि इसमें आपको कैसी बूट स्पेस मिल जाती है। ये रहा इस गाड़ी का टेलगेट। यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पर बटन मिल जाता है जिसे प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं।
इस तरीके से। यहाँ पर आपको 435 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। यहाँ पर आपको पार्सल ट्रे मिलती है, 435 लीटर से इसकी कैपेसिटी। यहाँ पर आपको टूल किट मिल जाती है और यहाँ पर नीचे भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। तो ये रही हैरियर की बूट स्पेस। यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल भी मिलता है। इस गाड़ी के मीटर को अगर आप ऑन करेंगे तो कुछ आपको इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा। ये पूरा एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आरपीएम मीटर मिलता है और राइट हैंड साइड पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है। और यहाँ पर इस गाड़ी की जो टच स्क्रीन है ये भी ऑन हो चुकी है। 7 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है एक्सटी प्लस वेरियंट में। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है इसमें और एयर प्योरीफायर भी मिलता है इसमें आपको इनबिल्ट। यहाँ पर आपको एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है इसमें, जो कि आपके केबिन की क्वालिटी बताता है, एयर क्वालिटी। और भी कई सारे फीचर्स मिलते हैं इसमें आपको, वॉइस कमांड वाला है। यहाँ पर आप थीम्स चेंज कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो ये थे इस गाड़ी के इंटीरियर में मिलने वाले फ़ीचर्स। अब चलते हैं इस गाड़ी के बाहर और इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि 170 bhp की पावर और 350 nm का टॉर्क जनरेट करता है। और इस गाड़ी में आपको 17 kmpl का ARAI माइलेज क्लेम किया जाता है। और इस गाड़ी की प्राइस की बात करें XT प्लस डार्क एडिशन वेरिएंट की, तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 18.45 लाख रुपीज़। और इस वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो इसकी ऑन रोड प्राइस है 21.79 लाख रुपीज़। तो ये था हैरियर का XT प्लस डार्क एडिशन, जो कि इसका काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।